दोस्तों मैं तुम्हारे लिए लेके आ चुका हूँ GTA 5 जैसा गेम जिसको तुम लोग अपने मोबाइल डिवाइसों में प्ले कर GTA 5 का आनंद तो ले ही सकते हो, क्योंकि इसके जो मिशन है सिमिलर GTA 5 जैसा है और जो इसका नाम है वो है फ्री सिटी। बिल्कुल हाँ, अपने नाम के जैसा ये गेम भी फ्री है, मतलब इसके तुम लोग वर्ल्ड में फ्री फंड की तरह भी भटक सकते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने करेक्टर को कस्टमाइज कर लेता हूँ, मतलब कि इसके जो कलर वगैरह है वो मैं अच्छे से चेंज वगैरह करके ठीक ठाक कलर इसके में फिट करता हूँ, एंड इसका जो बाल वगैरह है वो भी अच्छे से सेट कर देता हूँ। हाँ, तो इसका जो कलर है उसे मैं नहीं, पहले इसका हेड साइज थोड़ा नहीं यार, ये नॉर्मल ही ठीक है, डिफॉल्ट ही रहने दो इसको, एंड कलर वगैरह मैं थोड़ा हल्का इसको डार्क करके रखा हूँ। हाँ, तो चलो अभी बारी है इस बंदे की हेयर ट्रांसप्लांट करने की। वैसे मैं इसका बाल बिल्कुल सिंपल ही रखने वाला हूँ, तो कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ओके, तो चलो गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। वेल, तो गाइस आज हम लोग करेंगे इस गेम प्ले को अपने फर्स्ट मिशन से, और हमारा जो मिशन होने वाला है वो होने वाला है किसी रईस बंदे के घर में चोरी करना। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक सेकेंड, यहाँ पर इसका जो ग्राफिक्स वगैरह है ना वो मैं पहले चेंज वगैरह कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं मैक्स टू मैक्स ग्राफिक्स में खेलने वाला हूँ, तभी मजा आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफिक्स है वो पूरा हाई करके मैंने रखा है, और जो इसके सेंसिटिव वगैरह वो सब ठीक है। चलो अभी हम लोग आ चुके हैं किसी रईस बंदे के घर में, एंड इसके घर में हमें पता चला है कि बहुत सारा गोल्ड एंड बहुत सारा पैसा है और बहुत से कीमती सामाने हैं, जिन्हें मैं आज चुरा के यहाँ से निकलने वाला हूँ। और मेरा साथ है मेरा जिगरी दोस्त के, जो कि इस खतरनाक मिशन में मेरा साथ देने वाला है। खैर फिलहाल तो यहाँ पर मुझे इस लॉकर को तोड़ना है, एंड यहाँ पर मैं ड्रिल मशीन लगा के इसे तोड़ रहा हूँ। बट फिर यहाँ पर तो इस लॉकर का सायरन बज चुका है, बस इसके के बच्चे ने तो मुझे कहा था इसके सायरन वगैरह को इसे ने सब बंद करके रखा है, लेकिन पता नहीं ये क्यों बजने लग गया। और अभी ये कह रहा है कि इसके बारे में इसे कुछ भी नहीं पता है। रुको यार, यहाँ पर गार्ड आ चुके हैं, इन्हें तो मुझे निपटाना पड़ेगा सबसे पहले, नहीं तो ये लोग मेरे को अपना काम नहीं करने देंगे। और जब सायरन बज गया है और ये लोग आ ही गए हैं, तो भाई इस बिना सामान चोरी किए तो यहाँ से मैं जाने नहीं वाला। सबसे पहले मैं इन्हें निपटाता हूँ, एंड उसके बाद फिर अपना सामान वगैरह यहाँ पर भरेंगे अपने बैग में, एंड उसके बाद निकलेंगे। तो अबे भाई कितने लोग आते जा रहे हैं यहाँ पर, तो खत्म ही नहीं हो रहे भाई, गंदे जगह में फंस गया लगता है मैं। बस एक लास्ट बंदा मारना है, उसके बाद ये लोग थोड़े आना कम हो जाएंगे, मतलब अभी जो गार्ड है ना वो थोड़े दूर दूर पे हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे बंदे निपटा दिए हैं, और अभी यहाँ पर जो अपना लॉकर रूम है वो भी खुल चुका है। भाई इसके अंदर क्यों है, तो गोल्ड भरा हुआ है, एक एक करके सारे के सारे गोल्ड को बैग में डालते हैं और निकलते हैं। भाई आज तो रात हो रात अमीर बन गया मैं, और मेरा बैग है ना वो फुल हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास दो बैग हैं, तो मैं दोनों बैग में भरने वाला हूँ जितने भी सामान है, एंड यहाँ पर दोनों बैग मेरा फुल हो चुका है। अब मैं शायद से यहाँ पर सामान नहीं भर सकता, बाकी इतना ही काफी है मेरे को रात में बिलियनेयर बनने के लिए। बट यहाँ पर मैंने सामान वगैरह तो चुरा लिया है, लेकिन यहाँ से मुझे निकलना कैसे है वो मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है, के ने उसका भी पता लगा के रखा है, अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। वो मेरे को गाइड कर रहा है मुझे किधर से जाना है किधर से नहीं, तो हम लोग नीचे से जाएंगे। क्योंकि ये जो के है ना काफी ज्यादा स्मार्ट है, इसने ना पहले ही सारा का सारा प्लान बना के रखा था, बस हम लोग को ये सरप्राइज देते रहता है कि यहाँ पर यहाँ से निकलना है, हम लोग यहाँ से निकल नहीं सकते। फिर बोलता है यहाँ से मेरे को जगह मिल चुका है, बट मेरे को इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। जिस जगह से ये मेरे को लेके जा रहा है ना भाई, वहाँ पर सैकड़ों गार्ड होने वाले हैं, तो मुझे यहाँ पर गार्ड को मारते हुए यहाँ से आगे निकलना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर फटाफट मैं इन सारे गार्डों को मार देता हूँ, क्योंकि इस घर में इतना ज्यादा गार्ड भरे पड़े ना भाई, मैं क्या ही बताऊं। और अभी मेरे को पता चला कि ये किसी गुंडे का घर है, मतलब ये कोई माफिया क्या बोलूं, गैंगस्टर का घर है जो बहुत ज्यादा अमीर है, और गलती से हम लोग उसके घर में घुस गए। भाई ये क्या ही हालत होने वाला है मेरा, मैं कुछ नहीं बता सकता। बट यहां से मेरे को जल्दी से निकलना है, क्योंकि उसको ना इस चीज के बारे में पता चल चुका है कि हम लोग उसके घर में घुस चुके हैं, एंड उसका जो कीमती सामान वगैरह है सोना वगैरह वो सब हम लोगों ने चुरा लिया है। तो उसने भाई यहाँ पर हाई अलर्ट अलार्म जो बजा दिया था पहले ही, और ऐसे बजाने से सारे के सारे गुंडे भाई हमारे पीछे पड़ चुके हैं, तुम लोग देख ही रहे हो। अबे डैम भाई, यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आ चुका है, ये कुछ अलग सीन हो गया। अबे मेरे को यहाँ से ना भाई अभी ये हेलीकॉप्टर से बचना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो गोला बारूद फेंकने की स्टाइल है ना, एक साथ ही चार चार मिसाइल फेंक रही है। अगर गलती से भी एक मिसाइल भी टच हुआ ना भाई, मैं खत्म होने वाला हूँ लिटरली, ये मिशन पूरा का पूरा फाइल्ड होने वाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई मेरा फर्स्ट मिशन ही खराब हो। पर उससे पहले इस हेलीकॉप्टर को आगे मुझे निपटाना पड़ेगा। भाई यहाँ पर मेरे पास कुछ अच्छा सा गन भी नहीं है जिससे मैं इसे मार सकूँ, बस मेरे को कवर लेके रखना है, क्योंकि इसके एक मिसाइल मेरा काम खत्म कर सकता है। एक सेकेंड, इसे मैं ना यहाँ से कवर ले लेके मारूंगा, इसको डैमेज तो पड़ रहा है, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी इसका जो मिसाइल है ना भाई, मेरे को अभी पढ़ना ही स्टार्ट हुआ, मेरे को लगा पड़े नहीं रहा था भाई, यहाँ से निकलो। अबे एक सेकंड, यहाँ पर एक जगह है, यहाँ से घुसते हैं, अभी ये हेलीकॉप्टर अपना कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। चलो मैं अभी किसी नए ही जगह पे आ चुका हूँ, यहाँ पर मुझे कार, अभी उस बंदे का कार शोरूम है, यहाँ पर भी गार्ड तगड़े होने वाले हैं,
तो सबसे पहले मुझे इन गार्डों को निकालना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा। और वैसे भी अपना जो बड़ी है वो पहले ही इनको कूटने में लगा है, चलो इसकी सहायता करते हैं भाई। हाँ, वैसे इतने ज्यादा गार्ड नहीं है, मैं इनको आराम से निपटा दूंगा। वैसे प्रो बन चुका हूँ मैं इस गेम में हल्का फुल्का। यहाँ पर रुको बैठा है, इसको बताते हैं भाई, उठ जा। हाँ, हल्का सा सर दिखा, ये ले। चलो जहाँ तक लगता है मुझे यहाँ के आधे से ज्यादा कार्ड तो खत्म हो चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हैं, बट मेरे को यहाँ पर मेडिकेट की जरूरत है। एंड मेडिकेट पता नहीं कहाँ पे मिलने वाला है, मेरे को ये मार रहा था, रुको। हाँ, यहाँ से मेरे को पहले सबसे पहले मेडिकेट उठाना पड़ेगा, इसको मारते हैं, इसके पास से कहीं मेडिकेट मिल जाए। और इसका जो रिलोड वाला टाइम है ना भाई, चक्कू ले क्या रहा है, इसकी तो साले तलवार लेके आगे मारेगा मेरे को। इधर इधर, अबे बारूद, गोला बारूद को फेंकने लग गया भाई, डैमेज बढ़ रहा है इसके। अबे यार, इसके अंदर से तो पड़ ही नहीं रहा है, रुको मुझे बाहर निकल के मारना पड़ेगा। लेकिन कोई ना ग्रेनेड फेंक रहा है यार, अच्छा खासा डैमेज बढ़ रहा है मेरे को। रुको, पहले ग्रेनेड वाले बंदे को मारना पड़ेगा, उसके बाद फिर इन बंदूक वाले को देखेंगे, इनको तो आसानी से मार दूंगा। जो ग्रेनेड फेंक रहा है ना, सबसे पहले उसे मारना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं है वो, थोड़े दूर पे है। अच्छा ये, इसकी तो ग्रेनेड फेंकेगा तू। अबे साला, ये कुछ अलग ही किस्म का बंदा है, ये मर ही नहीं जाए, इसको इतने हेडशॉट लगाए। हाँ चलो, खत्म हो गया। इसके पास से मेरे को मेडिकेट वगैरह तो नहीं मिला, बट फिलहाल मेरे को यहाँ पर मेडिकेट की जरूरत है यार। मेडिकेट किधर मिलेगा ये जगह तो, एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने कार देखा है, इसको लेके आता हूँ भाई। इस कार की जरूरत है मेरे को, अच्छी दिख रही है, इसको लेके चलते हैं एंड इसमें निकाल लेंगे। चलो इस कार के अंदर बैठते हैं, काफी ज्यादा मस्त कार है। अच्छा, इस बंदे की कार है तो अच्छी होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमीर जो है। चलो भाई, इस कार को मुझे लेके बाहर निकलना है, लेकिन लगता नहीं है यहाँ से ये कार निकल पाएगा। Hey, I will try. ऐसे भी करके इस कार को यहाँ से बाहर तो निकाल ही लूंगा, क्योंकि ये जो कार है ना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी है। इसको लेके चलता है भाई, बैठ जा यार। अरे ये बैठता क्यों नहीं है भाई, यार बैठ जा, ये अलग ही बंदा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है, इसको बोल रहा हूँ बैठ जाए, निकलते हैं यहाँ से भाई। कार में बैठ कर आराम से यहाँ से जंप करा दूँ ना, एक बार में ही यहाँ से बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये गेम अपने को यहाँ से इतना जल्दी ख़त्म थोड़ी ना होने वाला है। अब भी भाई यहाँ पर के जितने भी मोस्ट पावरफुल गार्ड हैं वो आ चुके हैं, इनको मारने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। बट इनको मारना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इनके पास जो हथियार है ना, अब तक के गार्ड से सबसे ज़्यादा पावरफुल हथियार है। लेकिन देख सकते हैं, मेरे पास भी कम खतरनाक हथियार नहीं है भाई, यार पीजी है मेरे पास, अगर चला दूँ ना तो एक साथ ही सारे के सारे बंदे गायब हो जाएंगे। और वैसे भी दो तो ढेर हो चुके हैं, एक ही बचा इसकी ऐसी के तैसी, ये भी खत्म। अबे भाई, गलती से एक और बंदा आ चुका है, इसका नाम है चोको, चोको नहीं भाई चोकसो, पता नहीं क्या नाम है, बट ठीक है ऐसा ही नाम है। ये अमीर बंदों के लिए काम करता है और वो सब करता है, मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि भाई YouTube वीडियो हटा देगा। खैर तुम लोग समझ ही गए होगे, वो लेके आया हेलीकॉप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरा जो हेल्थ बार है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम कर रहा है। रुको यार, इसको मारने के लिए ना इस मशीन गन का काम आने वाला है, क्योंकि इसको जब बैठ के चलाऊंगा ना बहुत ज़्यादा डैमेज देता है अपना जो मशीन गन है। एंड इस चीज़ को मैं फ्री फायर से सीखा हूँ, क्योंकि फ्री फायर में हम लोग बैठ के मशीन गन चलाते हैं भाई, अच्छा खासा डैमेज देता है। और ये लो, बोलते हेलीकॉप्टर भी खाता हूँ। लेकिन अभी भी यहाँ पर दो तीन गार्ड बचे हैं जो कि मेरे बडीज को परेशान कर रहे हैं। रुको बे, तुमको बताता हूँ मैं कौन हूँ। यहाँ पर साले पीछे से मारता है, इसकी शॉर्ट गन लेके मारता है। एक और बचा है, इसको मारो। और अभी ये लास्ट वाला बचा है जिसका नाम चोको था, मैं चोको ही बोल रहा हूँ, पता नहीं इसका नाम क्या है। इसको मैं ना बंदूक से नहीं मारूंगा, रुको इसको मैं सोच रहा हूँ आरपीजी से मारूं। चलो भाई, इसको आरपीजी से ही उड़ाते हैं। भाई मर गया, अबे बचा है भाई, अरे बच कैसे गया ये। चलो भाई, ख़त्म हो चुका है, और अपना जो लेवल है वो भी 2 हो चुका है, एंड अपने जो बड़ी का लेवल है वो भी आई थिंक 2 हो गया होगा। हाँ तो चलो, यहाँ से अभी हम लोग लिफ्ट पे जाएंगे नीचे, लेकिन नीचे जाने के लिए मुझे इस लिफ्ट का लॉक तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लिफ्ट है लॉक है, और वो चीज़ मुझे बखूबी आती है। तो हम लोग इस लिफ्ट का लॉक आसानी से तोड़ लेंगे, एंड ये सब काम मैं ही करता हूँ। तो चलो भाई, फटाफट अपना काम करते हैं। एंड हम लोग आ चुके हैं अरे नीचे आते ही अलग ही सरप्राइज देखने को मिल रही है। यहाँ पर तो पुलिस भाई, ये लगता है उस बंदे ने ना पुलिस वाले को भी कॉल करके रखा है, क्योंकि जो ऊपर के गुंडे हैं ना वो लोग तो हमको संभाल पाए नहीं, इसलिए उसके जो गुंडे हैं वो भी खत्म हो गए, इसलिए साले ने पुलिस वाले को कॉल कर दिया है। लेकिन मेरा प्लान ये बना है कि जो मेरा बड़ी है वो दूसरे साइड से जाए और मैं दूसरे साइड से जाऊँ, इससे भाई वो पुलिस वाले ना अलग अलग दिशा में डाइवर्ट हो जाएंगे और उनको हमको पकड़ने में मुश्किल होगी। आई होप ये प्लान वर्क करे, बाकी ठीक है। चलो यहाँ से इनको मेरे को पीछे छोड़ना आता है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा सुपर कार चलाई हुई है और ये लोग मेरे से ज़्यादा सुपर कार नहीं भगा सकते, और इनके पास वैसे भी सुपर कार है नहीं, ऐसे नॉर्मल पुलिस वाली कार है। लेकिन उससे पहले यार, यहाँ पर सॉन्ग वगैरह चल रहा था, उसे मैंने बंद कर दिया है, और अभी चलते हैं बस सीधे, क्योंकि मुझे सीधे ही जाना है और कहीं टर्न वगैरह नहीं लेना है, नहीं तो मैं फंस जाऊँगा। एंड अभी फ़िलहाल लगता है
कि हम लोगों ने पुलिस से आराम से एस्केप कर लिया, वो तो भाई आगे पता चलने वाला है। और जहां तक मुझे लगता है इसमें कुछ ना कुछ घपला जरूर होने वाला है। हो गया घपला भाई, यहां पर कुछ गलत ही सीन हो चुका है क्योंकि पीछे से भी पुलिस वाले आ चुके हैं और जहां तक लगता है सामने से भी आने ही वाले होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से यहाँ पर स्टोर आ गए। भाई क्या बोल रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ भाई वो सच ही होते जा रहा है। और यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से फंस चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे को लगता नहीं मैं यहाँ से भाग पाऊँगा। और मैं पकड़ा गया हूँ भाई, भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं पकड़ा गया हूँ। और अभी ये लोग पता नहीं मेरे को कहाँ लेकर जाएंगे, सीन तो कुछ दिखा नहीं रहा है। ओके मैं अभी पुलिस स्टेशन पे हूँ। और भाई ये लोगों ने मेरे ऊपर कितने मुकदमे डाल दिए हैं, क्या क्या मैं इतना सारा चीज़ किया ना, कुत्ता बोल रहा है मेरे को इसकी ऐसी की तैसी। पहले सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना नाम डालता हूँ क्योंकि जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा ना, इस पेपर को जब ये लोग देखेंगे इनके फटनी चाहिए भाई, सूटर सूटर हूँ मैं। चलो भाई अपना फिंगरप्रिंट डालते हैं यहाँ पर। चलो खैर वैसे गाइस मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ये लोग मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि जब हम लोग इस मेरे को पकड़ रहे थे, ठीक है, तो हम लोग दो थे, एक मेरा बड़ी था एक मैं था, तो ये लोग सोच रहे हैं कि गलत बंदे को हम लोगों ने उठा लिया है और अभी लगता है छूट गया मैं। लेकिन ये लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा है बल्कि मेरे बड़ी ने मेरी हेल्प की है, उसने काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाए हैं मेरे को छुड़ाने के लिए एंड मैं छूट भी चुका हूँ। हाँ तो फिलहाल मैं यहाँ से छूट चुका हूँ, आगे की कहानी तुम्हें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। अगर चाहते हो तो कमेंट करो, अगर नहीं चाहते कि इसका अगला एपिसोड आए तो कमेंट करके बताना, ठीक है ना। एंड अगर तुम लोगों को इस गेम को डाउनलोड करना है तो तुम लोग टैप टैप से इस गेम को आराम से डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि ये गेम प्ले स्टोर पर अभी अवेलेबल तो है लेकिन इस कंट्री में अवेलेबल नहीं है। ओके तो फिलहाल तो आज का वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं तुम्हें किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो पे, सो तब तक के लिए बाय।